गोलियों से हमें डराते हैं। हम इनसे डरने वाले नहीं, हम हिंदुस्तान की जनता है, ये समझ ले। हिंदुस्तान की जनता इतनी कमजोर नहीं है, ये अपनी बात मनवाना जानती है। आपको पता है 13 महीना किसान हमारा धरने पर बैठा था और कितने किसान मर गए, 700 से भी ज्यादा किसान मरे थे। उसका जवाब देगी मोदी सरकार? मरने वालों का जवाब देगी? क्या उनकी जिंदगियां वापस ला पाएगी? क्या उस बीवी का सुहाग वापस ला पाएगी? क्या उस माँ उस माँ की औलाद को वापस ला पाएगी? किसी भाई किसी बहन के भाई को वापस ला पाएगी? 700 से भी ज्यादा वहाँ पर लोग मरे थे, मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। उनकी तपस्या भंग हो चुकी है, उनकी कोई तपस्या नहीं है। वो कहते हैं, वो झूठी झूठी बातें करते हैं, राम राज बजरंग बली। अरे भगवान का नाम लेके बदनाम करते, शर्म नहीं आती? अरे ये संस्कारी नहीं, ये बलात्कारी लोग हैं। और आपको पता है ये जो बलात्कारी बैठे हैं ना, और ये बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, शोषण करने वालों का समर्थन करते हैं। जब एक रेसलर महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आज 28 दिन से वो चीख रही है मुझे इंसाफ दो इंसाफ दो, उसकी उसका कोई इंसाफ नहीं, तो आप ये सोचिए एक आम महिला का क्या होगा? जो देश के लिए सम्मान लाए उनका अपमान हो, उनको चौराहों पे बैठना पड़े, इंसाफ मांगना पड़े, न्याय मांगना पड़े, तो ये कैसा न्याय है? ये घटिया सरकार है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, ये नैरेटिव सेट करती है। आपको पता है केरला मूवी आई थी, उससे भी नैरेटिव सेट किया गया लोगों का कि देखो हिंदू मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम को भेड़ बकरियों की तरह लड़ाते हैं, इनका कोई नैरेटिव नहीं है। और अगर वाकई आप हिंदू के इतने हितैषी हैं, तो हम कह रहे हैं हिंदू भाइयों को ही नौकरी दे दे, हिंदू भाइयों को ही रोजगार दे दे। हमारी हिंदू बहनों के लिए बड़ा आपके दिल में मोहब्बत है। अरे आपने टैक्स फ्री किया था इस मूवी को, पता है आपको? इन्होंने टैक्स फ्री किया है, उत्तर प्रदेश में बताते मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। अगर आपको हिंदू बहनों की इतनी फिक्र है ना, तो हिंदू बहनों को ही रोजगार दे दीजिए। अरे छोड़िए, सब छोड़िए, डीजल पेट्रोल हर चीज महंगा है, आदमी तरस रहा है, घर देखे, बच्चे देखे, रोजगार देखे, बच्चों की शिक्षा देखे, क्या है आने वाली जनरेशन का भविष्य? कुछ भी नहीं है, अंधकार में जा रहा है। जो धर्म की राजनीति करता है उसका देश बर्बाद होता है, और आज देश बर्बाद हो रहा है। आप सारे ही लोग खड़े, आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, हकीकत तो यही है, रोजगार इसी से आपको मिल रहा है। कौन सा आपको मोदी जी ने रोजगार दे दिया? कौन सा योगी जी ने आपको रोजगार दे दिया? जवाब दे, राशन राशन देने के काहिल बना रहे। 80 करोड़ जनता को राशन दे के काहिल बनाने वाले मोदी जी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप कहते थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कहते किसे? आत्मनिर्भर मेहनत करने वालों को कहते, बैठ के घर में राशन खाने वाले को नहीं कहते। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। आपका ये सड़ा हुआ कंकड़ पड़े पत्थर चावल हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, देश का भविष्य चाहिए। रोजगार मिल ही जाएगा काबिल तो उनके जो सारे बैठे हैं ना, कितने काबिल है, सब अंगूठा टेक बैठे हैं जितने बैठे हैं। बता दीजिए योगी जी की क्या है? योगी जी जो आप पास में असिस्टेंट खड़ा करते हैं ना, वो IAS IPS होता है। एक IAS IPS आपके हाथ जोड़े खड़ा है, पांचवा क्लास पास होंगे मेरे ख्याल से। ये तो सदियों से, यही तो खत्म करना है, यही चीज तो खत्म करनी है। जब तक युवा पढ़ा लिखा युवा इन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, देश का भविष्य सुधर नहीं सकता। जब अंगूठा टेक बैठ जाएंगे आके, तो उनको कुछ पता ही नहीं होगा। जो IAS IPS आपको बता देगा, जो डेटा ला कर दे देगा, आप पढ़ लेंगे, आपको तो इंग्लिश भी पढ़नी नहीं आती है ठीक से। आप लोग तो चुनते हैं। अरे हम लोग चुनते नहीं है, ये खुद से चुन के आते, अपने EVM चुन रहा है। अब EVM ना इसमें डाके डाले गए, EVM की चोरी हो रही है, डाके डाल रहे। और ये कहते हैं, और ये जो इनके यहाँ महिलाएं हैं ना, आपको पता है वो स्मृति ईरानी का नाम तो सुना ही होगा, जब सिलेंडर महंगा हुआ था तो सिलेंडर पे बैठ गई थी मोहतरमा आके। आज सिलेंडर के दाम कितने ऊंचे हो गए, दिखाई नहीं दे रही है। और एक बेटी इंसाफ मांग रही है, अगर वाकई भाजपा ये कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की बात करती है जो बीजेपी, आज वो बीजेपी की जितनी भी महिलाएं वो यहाँ कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही? अरे आप अगर पार्टी के उससे नाती, महिला के उससे आती ना, अरे अरे चाय वाय पे देखिए जीत हार ये नहीं करती है। बीजेपी ने लाया, देखिए 3 तलाक 4 तलाक 5 तलाक, अरे देश का भविष्य सुधारो ना, किसी के पर्सनल मैटर में घुस के उसको नहीं सुधार सकते। देश में रोजगार चाहिए, नहीं ये पर्सनल था। अच्छा ठीक है, 3 तलाक लिया मान लीजिए आदमी ने, 1 मिनट, 3 तलाक ले लिया, 3 तलाक के बाद क्या हुआ? वो तो चला गया जेल 3 महीने की,
बच्चे का पालन पोषण, पत्नी का पालन पोषण कौन करेगा? मोदी जी करेंगे? मोदी जी ने कुछ नहीं किया। माँ तलाक ले ली, तलाक लेने के बाद लड़की तो बेसहारा हो गई। आपने नहीं, नहीं क्या हुआ? कौन सा इंसाफ हुआ? कोई इंसाफ नहीं हुआ उस लड़की के साथ, तो कोई इंसाफ नहीं। उसका तो शोहर जेल चला गया। अब बच्चे की पढ़ाई लिखाई कौन करेगा? खाना कौन पूछेगा उसको? खर्चा कौन पूछेगा? उसके मायके वाले आके पूछेंगे? अरे आप वाकई, अगर वाकई वाकई सच में अगर मुस्लिम बहनों के हितैषी होते तो आप 2000 महाना मुस्लिम लड़कियों के लिए बांध देते। तलाक देने के बाद उसके शोहर जब जेल चला जाएगा तो महाना 2000 रुपए उस औरत को मिलेंगे जिसका तलाक हुआ है। तब तक इंसाफ मुस्लिम बहनों के साथ। ये इंसाफ किया है आपने? इंसाफ नहीं किया। इसमें मर्द की भी गर्दन फंसाई है आपने और औरत की भी फंसाई है गर्दन। ठीक है, ये तलाक वाला का मसला हल ही नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। अभी आप है अपनी बीवी से, आप लड़के अगर पता है आप निर्दोष है, पर आपको तब भी दहेज के मामले में अगर अंदर फेंक दिया जाए तो आप तो निर्दोष है ना। तो इंसाफ तो महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, दोनों के साथ होना चाहिए। एक के साथ इंसाफ नहीं है, इंसाफ दोनों के साथ होना चाहिए। मैं सिर्फ महिलाओं की हितैषी नहीं हूँ, मैं पुरुषों की भी हितैषी हूँ। दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। न्याय न्याय होता है, मैं ये जानती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। और ये और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो कहते हैं ना कि हमारी हमारी पार्टी के लोग संस्कारी है, संस्कारी नहीं बलात्कारी है। और ये जो स्मृति ईरानी और कंगना रनावत की आप बात करते हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, ये इनकी बीवियां हैं और ये इनको बॉय प्लस। और एक और आरोप लगा रहे, उनकी रखेले हैं ये। एक और आरोप, पत्नी छोड़ो, नहीं निजी कपड़े नहीं हो गए। दूसरों की बेटियों को आप बोलते हैं कि झूठ बोल रही है, वो रेसलर महिला झूठ बोल रही है, आरोप लगा रही है। आपका तो आरोप पूरी दुनिया के सामने है, स्मृति ईरानी बड़ा सा आप देख रहे हैं और ये कंगना रनावत जिनको वाई जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, ये क्यों दी गई है? ये क्यों दी गई? क्या उन्होंने बहुत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है? क्या किया है कंगना रनावत के देश के लिए? क्या किया है बताइए? क्या कौन सा नाम किया है? अरे कहां विदेशों में कौन सा नाम किया है? इससे अच्छे अच्छे तो और हमारे फिल्म स्टार बैठे हैं। आपने देखा कितने अच्छे अच्छे फिल्म स्टार है जो चैरिटी चलाते हैं। चैरिटी चैरिटी जानते हैं? बच्चों की संस्था, बच्चों को खाना देते हैं, गरीबों को शिक्षा के लिए बात करते हैं। बीजेपी का सपोर्ट कर दीजिए फिर। क्यों बीजेपी का सपोर्ट? किसी का भी सपोर्ट उस शख्स का नहीं है जिसके पास न्याय नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हम किसी पार्टी के हितैषी नहीं है, हम एक आम नागरिक है और आम नागरिक बनकर ये बोलते हैं कि इस देश में इंसाफ खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र का मर्डर है, हत्या है, ये हत्यारे हैं एक नंबर के। और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जलाते हैं, उनके पर कुल्हाड़ियां चलवाते हैं और कहते हैं ये इंसाफ नहीं, ये गॉडसे की औलाद है, ये गॉडसे की औलाद है। ये जो चार पांच तड़ी बार जो अमित शाह बैठा है ना, ये कहता है महिला निकल जाए, महिला निकल जाए तो उसके वो सेफ है। अरे एक रेसलर महिला तो सेफ हो नहीं पाई जो कुश्ती में लोगों को बचा देती है, जो कुश्ती में लोगों को बचा देती वर्ल्ड लेवल का। अरे क्या हमें डर नहीं लगता? आपकी बाप दादा की कुर्सी नहीं है, ये राजशाही मुल्क नहीं है, ये ना ही हिंदुत्व बन सकता है, ना ही ये इस्लामिक बन सकता है। ये देश लोकतांत्रिक है, ये भारत है, इस कुर्सी पे जनता ने बैठाया है और आपको जनता कैसे उतारेगी ये केंद्र में पता चलेगा। देखिए, अरे कजरा हिंद ना लाइए, देश का हिंद लाइए ना, देश में रोजगार लाइए ना, अरे देश में, अरे हाँ बिल्कुल खंडन करते हैं जो देश को तोड़ने वाले काम करे उनका हम हर उच्च का खंडन करते हैं। यहाँ तक कि मैं अपने सगे भाई का खंडन करती हूँ अगर वो देश को तोड़ने की बात करेगा। मोदी जी तो दूर की बात है, हम हर उस शख्स का खंडन करते हैं जो देश में नफरत फैलाए। बस लोकसभा चुनाव में ये कहना चाहेंगे, कर्नाटक में बहुत हो गया नाटक, अब आएंगे योग केंद्र में और केंद्र में जनता बता देगी। ये जो चीख रही है ना जनता, कभी किसान, कभी जवान, कभी पहलवान, तो अब ये याद रखिए, अब ये नाटक नहीं चलेगा। कर्नाटक में तो आप एक नाटक लेकर आए थे लेकिन वो नाटक कामयाब नहीं हुआ और ऐसे ही जनता बताएगी आपको कि केंद्र में भी आपका नाटक चलेगा। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है देखिए योगी जी और ना ही मोदी जी, आपसे कोई पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन जितना जनता को आपने सताया है, जितना जनता को आपने रुलाया है, जितना जनता को आपने पीड़ित किया है,
किसी ने पीड़ित नहीं किया। हर इंसान पीड़ित है, किसान पीड़ित, जवान पीड़ित, महिलाएं पीड़ित, कितना पीड़ित करेंगे आप, कितना पीड़ित करेंगे। ये दर्द है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसका आप सम्मान नहीं करते, जिसको आप अपमानित करते हैं। आपने जगह जगह लोगों को अपमानित किया है। किसान, कितने किसान मरे, उसका कोई जवाब नहीं। बुलडोजर चलवाते हैं आप यूपी में, आप यूपी में बुलडोजर चलवाते हैं, लेकिन आपको जरा भी शर्म नहीं आती है कि आपके नेता बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, शोषण करते हैं, पर आप उनको सजा नहीं देते, उनके पर पास को लगने के बाद भी उनको गिरफ्तारी नहीं है। ये गलत है, ये देश में गलत हो रहा है। आपसे दुश्मनी नहीं है, सिर्फ आपकी विचारधारा गलत है। माफिया कौन है, कौन नहीं, ये तय कोर्ट करेगी, आप तय नहीं करने वाले। आप कोर्ट से पहले ही बुलडोजर चलवाते हैं। ये बुलडोजर मिल गया था यूपी में, यूपी में अल्टीमेट वेशभूषा को मिलना चाहिए। इस टाइम वो सभा कर रहा है, इस टाइम वो रैलियां कर रहा है, उसके सम्मान में लोग उतर रहे हैं, क्यों है? ये गलत हो रहा है। आज एक बेटी के साथ गलत हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा और दुनिया की हर बेटी के साथ गलत होगा। उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं जनता से अपील करती हूँ, इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ तक चल कर आइए, जिस तरह मैं चल कर आई हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ से, उस तरह से हर बेटी को चल कर आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर देश में, दिल में देश की फिक्र है, वाकई मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं, देश में सुकून चाहते हैं, तो एक हो जाइए। निल्ला ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए और इन चीजों से दूर हो जाइए और अपने देश की उन्नति के लिए काम करिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सरदार जी।